नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज की हम स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे भारतीय टीम की जो घोषणा हुई है वेस्टइंडीज दौरे के लिए। टेस्ट और वनडे टीम का ऐलान हो गया है। इसके अलावा हम नजर डालेंगे जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर, साथ ही हम बात करेंगे स्पेशल ओलंपिक की। लेकिन इन सब चीजों पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नजर दौड़ाएंगे क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। रोहित शर्मा टेस्ट और वनडे टीम की करेंगे कप्तानी। यशस्वी जायसवाल को पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह, लेकिन चेतेश्वर पुजारा हुए टीम से बाहर। स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी। गोल्फ में अंकुश ने जीते 2 स्वर्ण, भारत के कुल पदकों की संख्या 75 के पार। नवंबर में चिली में होने वाले FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का शेड्यूल आया सामने। भारत, जर्मनी, कनाडा और बेल्जियम के साथ ग्रुप सी में कनाडा के खिलाफ मुकाबले से होगी भारत के अभियान की शुरुआत। IOC ने रद्द की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता, लेकिन मुक्केबाजी पेरिस ओलंपिक में अपना दर्जा रखेगी बरकरार। बॉक्सर ले पाएंगे ओलंपिक खेलों में हिस्सा। और 8 बार की सैफ कप चैंपियन भारतीय फुटबॉल टीम कल नेपाल के खिलाफ खेलेगी दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में सुनील छेत्री के सुरमाओं ने पाकिस्तान को दी थी शिकस्त। तो शुरुआत करेंगे भारतीय टीम के जो टीम ऐलान हुआ है टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरे के लिए, उस खबर के साथ शुरुआत करेंगे। टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने शुक्रवार को यानी आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। युवा ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भारतीय टेस्ट टीम में पहली बार जगह मिली है, जबकि सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को एक बार फिर टेस्ट टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रहाणे से उपकप्तानी नवंबर 2021 में छीन ली गई थी, जब टीम साउथ अफ्रीका रवाना हो रही थी। इसके अलावा चयनकर्ताओं ने वनडे फॉर्मेट के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया है। इन दोनों ही टीमों में KL राहुल, श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह की वापसी नहीं हुई है, जो अभी भी अपनी चोटों से उबर रहे हैं। साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा को भी ना तो टेस्ट और ना ही वनडे टीम में जगह मिली है। भारत की टेस्ट टीम इस प्रकार है। टेस्ट टीम पर नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि टेस्ट टीम क्या है। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, विराट कोहली हैं, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे, KS भरत, ईशान किशन, आर अश्विन, रवीन जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट और नवदीप सैनी। वहीं वनडे टीम इस प्रकार है। रोहित शर्मा यहां भी कप्तान के तौर पर सामने हैं, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रवीन जडेजा, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और मुकेश कुमार। तो जाहिर तौर पर वेस्टइंडीज दौरे के लिए एक बड़ी टीम और एक अच्छी टीम का कहीं ना कहीं चयन जो है वो चयनकर्ताओं ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल मुकाबला था उसमें भारतीय टीम को हार मिली थी, तो उसका जो कहीं ना कहीं असर है वो देखने को मिला है। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम और वनडे दोनों से ही वो उनका जो पत्ता है वो साफ हो गया है। तो जाहिर तौर पर कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत चिली की राजधानी सैंटियागो में होने वाले FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत प्रतियोगिता के पहले दिन कनाडा के खिलाफ करेगा।
भारतीय टीम को 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली प्रतियोगिता में बेल्जियम, कनाडा और जर्मनी के साथ पूल सी में रखा गया है। भारतीय टीम कनाडा के खिलाफ 29 नवंबर को मुकाबला खेलेगी, जबकि 1 और 2 दिसंबर को बेल्जियम और जर्मनी के खिलाफ मुकाबला खेलने उतरेगी। और अब बात करते हैं जर्मनी के बर्लिन शहर में चल रहे स्पेशल ओलंपिक की। तो बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतियोगिता में गुरुवार को गोल्फ में भारत को स्वर्ण पदक हासिल हुए। भारत के एस अंकुश ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अंकुश ने 2 इवेंट में हिस्सा लिया और दोनों में स्वर्ण पदक जीता। वहीं रणवीर सिंह सैनी और राहुल अग्रवाल की जोड़ी ने भी गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की जूडो लेवल 0-2 में सुशीला ने रजत पदक प्राप्त किया। भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक इन खेलों में शानदार रहा है। भारत अब तक इन पूरे जो पूरा खेल है, इस खेल में अब तक 75 से ज्यादा मेडल जो है वो जीत चुका है। स्पेशल ओलंपिक में एथलेटिक्स में देश के एथलीटों ने अपना परचम लहराया। मिनी जैवलिन में अपने नाम की धूम मचाने वाली रवि मती अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं। वहीं उनकी कोच एकता झा को भी भरोसा है कि भारतीय दल अपने इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेगा। प्रदर्शन किया हमारे एथलीट्स ने, बात करते हैं हमारे एथलीट्स और उनके कोचेस से। मैडम, शानदार प्रदर्शन रहा है, गिबन का सिल्वर आया है और रवि मती का भी सिल्वर आया, तो कैसा, किस तरह से देखते हैं इस अचीवमेंट को आप? इनके लिए बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। फाइनली जो जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इन लोगों ने वो चीज अचीव की है। मैडम, कितनी खुश है आप ब्रॉन्ज मेडल जीत के स्पेशल ओलंपिक पे? बहुत खुश है। गेबन कितनी खुश है सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीत के स्पेशल ओलंपिक्स में? रवि मती भी है जिन्होंने की मिनी जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता। रवि मती, कितना टफ रहा कंपटीशन ये वाला? नो इंडियन ना संतो एशिया, तो कह रही थी इजी था, उन्होंने आराम से बड़ी आसानी से सिल्वर मेडल जीता। और उनके एक और कोच हमारे साथ हैं, एकता झा जी। मैडम, स्वागत है आपका। तो किस तरह से देखते हैं इन एथलीट्स के अचीवमेंट को आप? तो दोनों फाइनल तक पहुंचे और दोनों को, एक को ब्रांज मिला है और एक को सिल्वर मिला है, और दोनों ने इतना अच्छा किया। और बताऊं तो दोनों बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक है गोवा से और एक है पांडिचेरी से। गगन के फादर ड्राइवर है, मदर हाउसवाइफ है, और ये भी रवि मती भी 5 साल तक कुछ बोल नहीं पाती थी, और जब गवर्नमेंट स्कूल में गए उसके बाद जब ये बिल्कुल शेल में चली गई थी, कुछ भी नहीं होता था। जब से इसने मिनी जैवलिन स्टार्ट किया और स्पोर्ट स्टार्ट किया, तब से ये देखिए बोलती ही नहीं है, बल्कि ये अपना आज उसने कमाल भी दिखाया कि वो क्या कर सकती है। ये जैसे लेवल सी में सिल्वर आता है, लेवल बी होता है, लेवल ए होता है, ये लेवल जरा समझाए कि किस तरह से ये गेम्स होते हैं। जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में क्या होता है कि पहले डिविजनिंग की जाती है, उसमें जो एज जेंडर एबिलिटी के हिसाब से की जाती है। तो जैसे इनका लेवल जो इन्होंने पहले स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप में, जो इनका लास्ट चैंपियनशिप तक जो इनका जो भी इनका जितना इन्होंने थ्रो किया उसके बेसिस पे जो इनका स्कोर होता है, उसके बेसिस पे इनको ए बी सी डी लेवल पे दिया जाता है, और बाद में एक लेवल के हिसाब से इनको उसी लेवल में उनको कंपटीशन होता है, अपने लेवल के हिसाब से कंपटीशन होता है। जो अब स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत ज्यादा बदलाव आया है, स्पेशल ओलंपिक में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, और ज्यादातर बच्चे अब अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। जो भी बदलाव आ रहा है वो इनके बदौलत आ रहा है, जो अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं इन स्पेशल ओलंपिक के जो ग्रेट है उसको और बढ़ा रहे हैं अपना प्रदर्शन करके। कोचिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें, इनको कभी कभी जिस तरह से बच्चे आते हैं वो अपनी जो बेसिक जो काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो कोचिस की भूमिका होती है इसमें बहुत अहम हो जाती है। और सैल्यूट करना पड़ेगा इन कोचिस को कि ये इन एथलीट्स के जो होते हैं पेरेंट्स का भी रोल निभाते हैं, और जिस तरह की एक सुविधाएं मिल रही है हमारे खिलाड़ियों को, जिस तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, यहाँ पर वो देख रहे मेडल रश चल रहा है और लगातार मेडल जीत रहे हैं हमारे खिलाड़ी, तो कोशिश यही रहेगी कि ये सिलसिला आने वाले कुछ जो जून बचे हैं उसमें भी जारी रहेगा और भारत के एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, डेवलप।
मिनी जैवलिन में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले एथलीट साकेत कुंडू को इस बात की खुशी है कि वो स्पेशल ओलंपिक में रजत पदक जीतने में सफल रहे, लेकिन इसके साथ ही वो मानते हैं कि आगे आने वाले समय में वो अपने इस पदक को गोल्ड का रूप जरूर देंगे। साकेत कुंडू और उनके कोच अरविंद से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। स्पेशल ओलंपिक के 16वें संस्करण में ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है और इस वक्त हमारे साथ है साकेत कुंडू जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है मिनी जैवलिन में और साथ ही उनके कोच अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, अरविंद आपका भी स्वागत है। एक ओलंपिक जैसे मंच पे, स्पेशल ओलंपिक जैसे मंच पे सिल्वर मेडल जीत के कितने खुश हैं आप? खुश हूँ गोल्ड में, वो खुश होता है। तो यहाँ पर साकेत कह रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं लेकिन वो गोल्ड मेडल जीत सकते थे, यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं और वे कोच भी साथ हैं। अरविंद जी कितना मुश्किल कंपटीशन रहता है, जिस तरह से साकेत कह रहा है कि वो गोल्ड जीत सकता था, जीतना चाहता था, थोड़ा सा मिस कर गया, तो कंपटीशन के बारे में बताइए कि कितना टफ था हमारे एथलीट्स के लिए? यहाँ सर सभी कंपटीशन क्वार्टर फाइनल से शुरू हुआ है, क्वार्टर के बाद ये लोग शफलिंग करते हैं, उसके बाद सेमीफाइनल होता है, उसके बाद फाइनल होता है, तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और मुझे बहुत खुशी है कि सिल्वर मेडल लाया। आपके बाकी कॉम्पिटिशन बाकी हैं तो क्या है, गोल्ड जीतोगे? हम गोल्ड हुआ और गोल्ड भी पक्का है। और उन्होंने अभी से कह दिया है कि साकेत ने कि जो रिमेनिंग कॉम्पिटिशन है उसमें वो गोल्ड जीतेंगे। सर अगर बात करें किस तरह से देखते हैं इस अचीवमेंट को, लगातार ट्रैक एंड फील्ड में मेडल्स आ रहे हैं, गोल्ड भी आ रहे हैं, सिल्वर भी, आज दो सिल्वर आए हैं, तो किस तरह की ट्रेनिंग रहती है ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट्स के लिए आपकी? ट्रैक एंड फील्ड की इवेंट की ट्रेनिंग हम यहाँ सुबह आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत वार्म अप रहता है, बाद इवेंट वाइज हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कोच भी हैं और एक स्टाफ भी है, तो सब हम मिलकर फुल प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को ताकि वो कोई इंजरी ना हो और थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए इवेंट के पहले। सर अगर जब आप इनको ट्रेनिंग देते हैं इवेंट से पहले भी, क्या आपके मापदंड होते हैं सिलेक्शन करने के, और किस तरह से जो एक टैप करते हैं टैलेंट को वो कैसे टैप करते हैं, किस लेवल पे टैप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या उससे पहले आप और कहीं जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, किस तरह के जो स्काउटिंग करते हैं वो कैसे होती है? डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट से हमारा स्पेशल ओलंपिक चालू होता है, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के बाद स्टेट होता है, उसके बाद नेशनल में बच्चों का चयन किया जाता है और उसके बाद वर्ल्ड गेम के लिए भी जो एथलीट यहाँ आते हैं उनसे 4 गुना नेशनल के लिए आते हैं, लेकिन शॉर्ट कर के सभी जो चुनिंदे खिलाड़ी है एकदम वही यहाँ आते। साकेत आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो स्पेशल ओलंपिक्स में बर्लिन में, तो कैसा लग रहा है, यहाँ के बहुत सारे एथलीट अलग अलग जगह से आए, तो कैसा लग रहा है आपको? खुश हूँ और मैं ऐसे ही आऊँगा और ऐसे ही गोल या सिल्वर। तो देखिए साकेत कितने खुश हैं, वो बोल रहे हैं यहाँ के काफ़ी खुश हैं, पार्टिसिपेट करके काफ़ी खुश हैं और वो बोल रहे हैं कि वो जब भी आएंगे यहाँ आएंगे और देश के लिए मेडल जीतेंगे। एक उनमें एक चीज़ नज़र आई कि जो पहले जो होता था, पहले जो सुविधाएं थी, पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी सुधार आया, तो इस तरह को इस डिफरेंस को कैसे देखते हैं, जो पहले और अब जो हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? अवेयरनेस भी नहीं थी एथलीट के लिए, स्पेशल एथलीट के लिए स्पेशल ओलंपिक्स क्या है वो लोगों को पता नहीं था, और आज आप देखो तो हर जगह स्पेशल ओलंपिक का मिशन सब लोगों को भी पता है। जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स होता है, नॉर्मल खिलाड़ियों खेलते हैं, ऐसी ही तरह आज आप देख रहे हैं यहाँ कि वर्ल्ड गेम हो रहा है, स्पेशल एथलीट उसमें खेल रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं है। तो उनका कहना है कि अब काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है लोगों में स्पेशल ओलंपिक्स को लेके, स्पेशल एथलीट्स को लेके, और एक सपोर्ट मिला है सिस्टम से, गवर्नमेंट से और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, और उसके कारण हमको रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है किस तरह से बच्चे यहाँ मेडल जीत रहे हैं, और देश के लिए एक ये गौरवान्वित क्षण है कि इतने रोज अब देखिए सिल्वर गोल्ड, एक सिर्फ ट्रैक एंड फील्ड में नहीं, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, पावर लिफ्टिंग में, हर खेल में हमारे खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं और सिलसिला जारी रहने वाला है आने वाले दिनों में भी। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज बर्लिन। स्पेशल ओलंपिक 2023 के मौके पर बर्लिन के मैसेज साउथ में एक स्पेशल स्वस्थ एथलीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्पेशल एथलीटों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके बीच स्वास्थ्य और कल्याण की संस्कृति को
बढ़ावा देना था। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक 2023 के मौके पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल एथलीटों के समग्र कल्याण के लिए मेसे साउथ में एक विशेष स्वस्थ एथलीट सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में एथलीटों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सेवाओं को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। And some of you might say, well, why does Special Olympics do health work? It seems unusual for a sports organization really focused on individuals with intellectual disabilities and their performance on the field to be implementing a very broad public health program. And for some of you, maybe that's obvious, because in order for you to perform well on the sports field, one needs to be healthy, one can't be in pain in order to perform at your best. And so it's important that we continue to raise awareness about that and ensure that our athletes are as healthy as possible when they're able to perform on the field. These populations of individuals do not get that which they deserve because of the ignorance that we have in our professions. A profession that is designated almost specifically in sports medicine to athletes has absolutely minimal training in dealing with athletes with IDD. And I think that that in itself is something that needs to change, not now, but right now. And I hope that everyone that is here, obviously we understand this, but I hope that we can create a much bigger message. इस पहल ने न केवल तत्काल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया बल्कि स्पेशल ओलंपिक से हटकर स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए एथलीटों को आजीवन कौशल से लैस करने का भी लक्ष्य रखा। सत्र का उद्देश्य आत्म देखभाल के महत्व पर जोर देकर और व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करके इंटेलेक्चुअल डिसेबल एथलीटों के बीच स्वास्थ्य और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस पहल के माध्यम से बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक 2023 ने न केवल एथलीटों की उपलब्धियों का जश्न मनाया बल्कि भविष्य में उनके स्वास्थ्य और खुशी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया। इन एथलीटों की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों और आवश्यकताओं के बारे में समझकर और ज्ञान को बढ़ावा देकर हम एक सहायक वातावरण बना सकते हैं जो उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। जागरूकता बढ़ाना शिक्षा से शुरू होता है और ट्रेनर्स, कोचेस और हेल्थ प्रोफेशनल को स्पेशल एथलीट्स की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो देश के लिए और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। तो ये थी स्पेशल ओलंपिक से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन अब अगली खबरों का रुख करते हैं। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का सही मायने में मतलब खेल, स्वास्थ्य और साथ रहने का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। उम्र, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इस अवसर पर दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में IOA भारत इन पेरिस इंडियाज ओलंपिक मूवमेंट 2023 का शुभारंभ किया गया। हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर पूरे विश्व में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ओलंपिक दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में IOA भारत इन पेरिस इंडियाज ओलंपिक मूवमेंट 2023 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 7 किलोमीटर की मैराथन का भी आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, IOA के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान गीता फोगट भी उपस्थित रही। इस अवसर पर खेल मंत्री ने मैराथन में हिस्सा लेने वाले एथलीटों को सम्मानित किया। इस मौके पर IOA की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से खिलाड़ियों में खेल भावना बढ़ती है और लोगों में खेलों के प्रति उत्साह भी बना रहता है।
IO is organized Bharat in Paris awareness run, and it is to be different state also we are going to organize this, and I think most some of the state today also they have started the race. After taking her charge as president, she has decided and inspired Indian Olympic Association to create an event where we can motivate Indian to involve with and involve and participate with Olympic 2024. And so Bharat in Paris is one of that part where we'll be having around 20 cities around the year, having several marathons and cyclothons. पूर्व भारतीय दिग्गज एथलीट और आईओ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने ये कहा कि अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. साथ ही उन्होंने इन खेलों की तैयारियां सही दिशा में होने की बात कही. I think preparation is going on very well, and our players now, even junior level also, they are doing very good. Wrestling also they did good, hockey also did well, athletics also did well, and shooting also doing good. And I hope that this time our Indian is going to do good performance in Paris. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाए गए थे. 1948 में कुल 9 देशों ने अपने अपने देशों में इस दिन को मनाया था, लेकिन आज समय के साथ ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने जिस ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, इसके चलते ये उत्सव अब वैश्विक बन गया है. उम्र, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं. उम्र, लिंग और किसी भी प्रकार के अन्य भेदभाव को भुलाकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं. पोस्टर्स, डीडी न्यूज. और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की. बेंगलुरु में खेले जा रहे सैफ कप फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को भारतीय टीम अपना दूसरा मैच नेपाल के खिलाफ खेलने उतरेगी. भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीम को 4-0 से हराया था. नेपाल के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. भारत और नेपाल के बीच अब तक कुल 23 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 16 मैच में जीत दर्ज की है. और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सलाह और दिशा निर्देशों की अनदेखी के चलते वर्षों से चले आ रहे विवाद के बाद गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की मान्यता वापस ले ली. हालांकि पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक में मुक्केबाजी को बरकरार रखा गया है. आईओसी की ओर से विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में आईबीए की मान्यता रद्द करने के लिए मतदान कराया गया. मतदान का नतीजा पहले से ही तय था, क्योंकि 2 सप्ताह पहले आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक की अध्यक्षता वाले कार्यकारी बोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी. मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 69 जबकि विरोध में 1 वोट पड़ा. वोटिंग से 10 सदस्य अनुपस्थित रहे. और खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों को देखिए आप स्पोर्ट्स रैप के जरिए, और हमें आज के लिए दीजिए इजाजत. नमस्कार. भारत में बैंकॉक में 12 से 16 जुलाई तक होने वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए 54 सदस्यीय टीम घोषित की, जिसमें लंबी कूद के स्टार खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर, एशियाई रिकॉर्ड धारक गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर और तेजस्विन शंकर को जगह मिली है. ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता 3000 मीटर स्टीपल चेज खिलाड़ी अविनाश साबले को टीम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दोनों अगस्त में बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप के लिए विदेश में प्रशिक्षण जारी रखेंगे. दो बार की चैंपियन मालदीव ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भूटान को 2-0 से हरा दिया. मालदीव के लिए मोहम्मद हमजा ने 6 मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर पहला गोल दागा. नेज हसन ने इसके बाद 89 मिनट में एक और गोल दागकर मालदीव की 2-0 से जीत सुनिश्चित की और अपनी टीम को 3 अंक दिलाए. मालदीव की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के कारण इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतरी थी, लेकिन भूटान ने उसे कड़ी टक्कर दी. लंबी कूद के खिलाड़ी जेस्मिन एल्ड्रिन 30 जून को स्विट्जरलैंड के लुसाने में होने वाली डायमंड लीग से हट गए हैं. उन्होंने पूरी तरह से फिट नहीं होने के कारण इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया. एल्ड्रिन को साथ ही भारतीय मुरली श्रीशंकर के साथ लुसाने में प्रतिस्पर्धा करनी थी. श्रीशंकर ने इस महीने की शुरुआत में डायमंड लीग के पेरिस चरण में कांस्य पदक जीता था. भारतीय ओलंपिक संघ की एडहॉक कमेटी ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों को बड़ी राहत दी है. इन पहलवानों को इन दोनों प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी. पहलवानों को न सिर्फ शुरुआती ट्रायल में हिस्सा लेने से छूट मिली है, बल्कि उन्हें वादा किया गया है कि वे 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष चयन समिति के एक सदस्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीसीसीआई ने इसकी सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर दी है। बोर्ड ने इसके अलावा फिजियो के लिए भी आवेदन मंगाए हैं। चयन समिति में एक पद लंबे समय से खाली है। पूर्व चयनकर्ता चेतन शर्मा के हटने के बाद से अभी तक किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई है। पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 जून होगी। हरियाणा के हरफनमौला खिलाड़ी जयंत यादव आगामी दिलीप ट्रॉफी में उत्तर क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि सीनियर बल्लेबाज मनदीप सिंह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। जोनल कमेटी के संयोजक अनिरुद्ध चौधरी ने गुरुवार 22 जून को मनदीप सिंह के चोटिल होने की जानकारी दी। मनदीप सिंह की जगह पंजाब के बल्लेबाज नेहल वढ़ेरा को मुख्य टीम में रखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।